गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है, जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पे लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे हैं। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। तो आपने भी आरपी चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि अभी हाल फिलहाल के अंदर किसी भी प्रकार का गठबंधन की संभावना नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका गठबंधन जनता के साथ है, जनता के साथ मिलकर ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के अंदर लड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन से भी उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर दूरी बनाई है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की कोशिश चंद्रशेखर ने तो खूब की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद को महत्व नहीं दिया, न ही चंद्रशेखर आजाद की बात सुनी और न ही उन्हें सीट या जिम्मेदारी देने के अंदर कोई दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आजाद नगीना से जाने के बाद अखिलेश यादव से दूरी बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से पहले उनका जनता के साथ गठबंधन है और जनता के साथ मिलकर ही उपचुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि इस बार पूरी उम्मीद है कि जनता उपचुनाव के अंदर उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर चुनाव जिताकर सदन के अंदर भेजेगी और विधानसभा के अंदर उनकी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा।